हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 मार्च को होने वाले रॉ के फुल प्रीव्यू के बारे में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग और तगड़ा प्रीव्यू दे दिया है नेक्स्ट रॉ के लिए WWE ने। रेसलमेनिया बहुत करीब आ रहा है, तो ऐसे में रॉ के एपिसोड में काफ़ी धमाकेदार देखने को मिलेंगे। सबसे बढ़िया यहाँ पर सेगमेंट WWE ने बुक किया है बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर का। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, मैच कन्फर्म है। और गाइस, ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो गाइस, बस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इसे एंड तक जरूर देखना। और फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं लाइक बटन से। और गाइस, अगर ये मच्छरों का साउंड आपको बैकग्राउंड नॉइज में सुनाई दे रहा है तो इसे थोड़ा झेल लेना। और यहाँ पर हम सबसे पहले फीमेल डिवीजन से ही शुरुआत करने वाले गाइस। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कन्फर्म है रॉ वुमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए। यहाँ पर आस्का होंगी और होंगे रिया रिफ्ली, और रेसलमेनिया 37 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करेंगी, मैच ऑफिशियल करेंगी। पर गाइस, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो बहाना है, दो हफ्ते रह गए, सिर्फ दो रहा है, तो यहाँ पर हमें भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ब्रॉल हो सकती है। पर गाइस, यहाँ पर आस्का को जिस तरह का WWE ने दिखाया, क्या वो रिया रिफ्ली का सामना कर पाएंगी? रिया रिफ्ली को WWE यहाँ पर जरूर तगड़ा बुक करेगी, डोमिनेटिंग बुक करने वाली है। तो यहाँ पर नेक्स्ट रॉ पर रिया रिफ्ली स्टैंड टॉल करते हुए दिखाई देंगी आस्का के अगेंस्ट। इसके अलावा गाइस, जो एक और सिंगल्स मैच कंफर्म है, यहां पर है भाई कंफर्म यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन मैट रिडल वर्सेस सेमस के बीच में। तो गाइस, ये मुझे मैच काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर सेमस टाइटल पिक्चर में जाने वाले हैं, सेमस अगर मैट रिडल के साथ स्टोरी लाइन में जाने वाले हैं, तो एक बढ़िया थिंग लग रही है मेरे को सेमस के लिए। तो गाइस, यहाँ पर नॉन टाइटल मैच कंफर्म है। अगर सेमस हराए थे मैट रिडल को, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएगी कि वो रेसलमेनिया 37 में उनको अपॉर्चुनिटी मिले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या किसी सुपरस्टार की इंटरफेरेंस होगी, और क्या WWE नेक्स्ट रॉ पर ये मैच ऑफिशियल करेगी रेसलमेनिया 37 के लिए मैट रिडल वर्सेस सेमस का, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके अलावा जो हमें एक और फ्यूड देखने को मिल रही है, वो है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और गाइस, यहाँ पर है एजी स्टाइल्स एंड ओमोस वर्सेस न्यू डे की टीम, और पिछले हफ्ते एजी स्टाइल्स वर्सेस कोफी किंगस्टन का मैच था। तो यहाँ पर हमें फिर से एक बार एजी स्टाइल्स वर्सेस जेवियर वुड्स का मैच देखने को मिल सकता है। फिर से ओमोस की इंटरफेरेंस होगी, कोफी किंगस्टन की मदद करेंगे। पर यहाँ पर WWE किसे स्ट्रॉन्ग दिखाने वाली है, क्या यहाँ पर चैलेंजर टीम होगी स्ट्रॉन्ग या फिर चैंपियंस टीम? और दोस्तों, जो एक और मैच कंफर्म है रेसलमेनिया के लिए, वो है द मिज वर्सेस बैड बनी के बीच में। पर गाइस, रूमर्स ऐसे हैं कि ये मैच होने वाला है टैग टीम मैच में कंफर्म, बैड बनी एंड डैमियन प्रीस्ट वर्सेस मिज एंड मॉरिसन के बीच में। अगर मॉरिसन एंड डैमियन प्रीस्ट हो जाते हैं क्लियर, उनको अभी इंजरी है, हो सकता है नेक्स्ट रॉ पर WWE थिंग क्लियर कर दे, टैग टीम मैच होगा या फिर सिंगल्स मैच। इसके अलावा गाइस, जो एक और इंटरेस्टिंग फ्यूड है देखने को मिल रही है, वो है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस शेन मैकमैन की। और ये मैच भी कंफर्म है रेसलमेनिया के लिए। पर अभी तक हमें दोनों सुपरस्टार्स के बीच में कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि शेन मैकमैन तो थोड़ा भाई एक्शन से बचते हैं, और सामने वैसे भी अगर ब्रॉन स्ट्रोमन मॉन्स्टर जैसा बंदा हो तो शेन मैकमैन का डरना तो बनता ही है। पर गाइस, यहां पर भी शेन मैकमैन है माइंड गेम्स के उस्ताद, वो कुछ ना कुछ चालाकी करके ब्रॉन स्ट्रोमन को बेवकूफ बनाएंगे और धोखा देंगे और अटैक करेंगे, ब्रॉन स्ट्रोमन पर डोमिनेट करेंगे। पर यहां पर WWE भाई किसे स्ट्रॉन्ग दिखाने वाले, क्या ब्रॉन स्ट्रोमन फाइनली बदला ले पाएंगे शेन मैकमैन से? ये फ्यूड भी गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट रॉ के लिए। इसके अलावा गाइज, एक और जो बड़ा सेगमेंट WWE टीज करी, वो है बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर का। और गाइज, यहाँ पर WWE टीज करी है कि भाई कौन सा वो बंदा होगा जो ड्रू मैकइंटायर को रोकने वाला है बॉबी लैशली से मैच करने के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते बॉबी लैशली ने भाई यहाँ अल्टीमेटम दे दिया था, एक तरह से अनाउंसमेंट कर दी थी कि भाई जो भी ड्रू मैकइंटायर को हराएगा, यानी कि ड्रू मैकइंटायर को रोकेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उसको बॉबी लैशली देंगे टाइटल शॉट रेसलमेनिया में। तो भाई, यहाँ पर WWE टीज कर रही है कि कौन सा बंदा आएगा ड्रू मैकइंटायर के सामने, किसे रोकने की, किसमें रोकने की हिम्मत है ड्रू मैकइंटायर को। और हाँ गाइस, हो सकता है हमें नेक्स्ट रॉ पर ड्रू मैकइंटायर का वन वर्सेस ऑल का मैच देखने को मिले, जिस तरह से बॉबी लैशली ने अनाउंसमेंट की थी। अभी देख के तो लग नहीं रहा रॉ पर भाई को ऐसा बंदा है जो कि ड्रू मैकइंटायर से पंगे लेगा, फिर भी कौन होने वाला है वो? क्या बॉबी लैशली आके अटैक करेंगे ड्रू मैकइंटायर पर? अगर हमें बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता तो ये एक बढ़िया थिंग होगी। और यहाँ पर अगर WWE कुछ बड़ा शॉकिंग रिटर्न प्लान कर रही है, तो यहाँ पर गाइस हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही वो टाइम है भाई रेसलमेनिया में ही ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होना चाहिए, और वो भी बॉबी लैशली के अगेंस्ट। तो नेक्स्ट रॉ पर हो सकता है ब्रॉक लेसनर डिस्ट्रॉय करें ड्रू मैकइंटायर को, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है WWE चैंपियनशिप के लिए। तो नेक्स्ट रॉ पर ये थिंग भी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। इसके अलावा गाइस, जो एक और अल्टीमेट फ्यूड है, वो है भाई रैंडी ऑर्टन फिंड के बीच में। होगा जब से रैंडी ऑर्टन ने हराया फिंड को TLC पेपर व्यू में, उसके बाद तो रैंडी ऑर्टन की ऐसी तैसी हो रही है। पहले एलेक्सा ब्लिस, पर अब फिंड भी आके भाई दो बार लगा चुके हैं मैंडिबल क्लो और सिस्टर एबिगेल। तो क्या फाइनली भाई रैंडी ऑर्टन कुछ कर पाएंगे, कुछ बदला ले पाएंगे फिंड से? किसे यहाँ पर WWE स्ट्रॉन्ग दिखाने वाले? भाई रैंडी ऑर्टन को भी WWE को स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा, जिससे कि मैच थोड़ा और भी एक्साइटेड हो रेसलमेनिया के लिए, नहीं तो ये मैच एक तरफा हो जाएगा। तो गाइस, ये सारे सेगमेंट और मैचेस हमें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट रॉ पर। गाइस, आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप सबसे ज़्यादा
किस फ्यूड के लिए इंटरेस्टिंग है रेसलमेनिया के लिए, और क्या आपको लगता है ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे बॉबी लैशली के अगेंस्ट। और इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर फिर पसंद आए तो लाइक भी करना, और अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई ख्याल रखें अपना।